नमस्कार जय सी एल सी हाँ सब कैसे हो हाँ तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो आपके अपने सीएलसी ने फिजिक्स पंच के नाम पे इसका बीच में नाम हमने रिवाइज फिजिक्स इन फोर्टी आवर किया लेकिन बच्चों ने कहा मजा नहीं आ रहा है इसका तो पंच नाम जुबान पे तो तो इसका नाम पंच रखो तो ये पहले से बना हुआ है तो ये आज सुबह फैसला हुआ तीन जून को कि इसका नाम वापस पंच रखा जाएगा बात कुछ ही और बीस टॉपिक है फिजिक्स पंच के नाम पे कहेंगे इनको ठीक है डियर एक से लेके बीस टॉपिक बनाए

मैं उनके बात कर रहा हूं जो 90 100 नंबर पे खड़े हैं वो 150 160 तक नंबर ला सकते हैं ठीक है तो आज हम तीन जून आज क्यों भाई आज तीन जून को वीडियो शूट करने जा रहे हैं ये पंच नाम तो है रिवाइज नीट फिजिक्स पर नाम चेंज कर दिया पंच रहेगा हमारा ये 11वां टॉपिक है पहले दस वीडियो आपके पास आ चुके हैं 1 से 6 मैंने खुद अपलोड किए थे फिर 7 8 दो हमारे साथी सात आठ नौ मेरे हमारे मेरे स्टूडेंट भी रहे किशोर सिंह जी आज फैकल्टी भी उन्होंने किए फिर हीट कल दसवां मैंने किया आज ग्यारहवां मैं फिर शुरू करने जा रहा हूं आज का हेडिंग है के और थर्मोडायनमिक्स क्योंकि देखो दसवें टॉपिक में आपके हीट ट्रांसफर था कैलिमिट्री था वो सब वहां आ गए थे अब आपका आ गया के और थर्मो शुरू करें भाई तैयार हो सब लोग ओके आ जाओ डियर फिर से कह रहा हूं हम इसका नाम वापस फिजिक्स पंची कर रहे हैं बच्चों की डिमांड पे कि बहुत जुबान पे आ चुका है ओके एक बात और सुन लो जो भी स्टूडेंट सीएलसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप क्या है यदि आप किसी भी स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है आप चाहे सीएलसीएन है चाहे नॉन सीएलसीएन है तो आप क्या करें अपना नाम नीट अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें डबल नाइन टू एट सेवन थ्री डबल एट डबल एट और प्लीज एड इन व्हाट्सएप ग्रुप ये लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दो वहां दोस्तों इन सारे पंच की पीडीएफ फाइल भी हम लोग छह जून को डिस्प्ले कर रहे हैं क्लियर अपना नाम अपना सीएलसी रोल नंबर और आप सीएलसी के बच्चे नहीं है तो नॉन सी अपना नाम नीट सीएलसी रोल नंबर या और व्हाट्सएप नंबर जिसपे आपको ये मैटर जो है यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़े हुए हैं तो आपके पास मैट्री आ रहा है बाकी आप जानते हो आई टी भी पूरा अपलोड कर दिया दोस्तों दो से लेकर दो तक का ओके ऑनलाइन क्लास हमारी चली रही आप जानते हो दोस्तों चार जुलाई जून से डेली टेस्ट स्टार्ट हो रही है मेडिकल के लिए भी पक्का जी आओ शुरू करें क्वेश्चन नंबर वन आजा भैया मस्त क्वेश्चन भगवान ने चाहे तो 26 जुलाई का प्रश्न दोस्तों ये देखो क्या होता है इस प्रश्न को पढ़ लिया ओके okay, रीड कर लिया रीड करने से पहले एक बात सुनो पूरी दुनिया जानती है पीवी इक्वल टू एनआरटी मैं आगे बढ़ू उसके पहले दोस्तों मैं एक लाइन लिख देता हूं पीवी इक्वल बात बहुत छोटी सी है पी प्रेशर है वी वॉल्यूम है आर एक कांस्टेंट है टी टेम्परेचर है यहां भी एक एन है यहां भी एक एन है लड़के 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 पंगा रहे दोस्तों आर के साथ जो एन है वो मोल को बताता है के के साथ जो एन है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है ये अणु की संख्या बताता है ये मोल की संख्या बताता बस इतने ही फर्क है और गांठ बांध लो जब जब के आएगा तब तब एन आएगा मोलिक्यूल वाला जब जब आर आएगा तब तब एन आएगा दोस्तों नंबर ऑफ मोल वाला बोलो हा या ना ओके इसको मिटा अब देख इस प्रश्न को शुरू करने से पहले एक मास्टर फॉर्मूला है पीवी इक्वल टू एनआर किसके लिए आइडियल गैस के लिए ओ लड़के किसके लिए आइडियल गैस के लिए रियल गैस पे लागू नहीं होगा अलग होता हूं वो तो अलग होता जानते हो बट हमारा सिलेबस किसके लिए है पूरा आइडियल गैस के लिए है रियल गैस तो पढ़नी पढ़नी है बस के रियल गैस क्या है उसका एक फॉर्मूला याद करना है और बस इतना एक क्वेश्चन आता वहां वहां पे एक कॉन्स्टेंट ए है एक कॉन्स्टेंट बी है उस ए और बी की आपसे वो अक्सर डायमेंशन पूछ लेता है चलो वो पूछ लो वो भी क्या है वो समीकरण भी आप सम जानते हो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन एन दो वी माइनस बी इक्वल टू आर ओके okay? p plus a v2 v b rt दिस फॉर आइडियल गैस दिस फॉर रियल गैस ठीक है डियर ये आइडियल गैस के लिए रियल गैस के लिए यहां तो सेट है a की डाइमेंशन क्या है और b की डाइमेंशन क्या है ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है a की में बताओ b की में बताओ मैं टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें पे पेट रहा हूं आपके लिए ओके डियर अब आ जाओ फिर आगे चले तो दोस्तों ये एक

एक्स्ट्रा रूल को वो फॉलो कर रही है ठीक है डियर तो अगला कहता है अंदर का टेम्परेचर तो एक तो टेम्परेचर चाहिए फैल रही है इसलिए वी चाहिए तो दोस्तों यहां से पी 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 कर देते हैं हेलो पी, क्यों पी किया गुब्बारा फैल रहा है तो वीक चेंज हो रहा है टेम्परेचर अगला मुझसे पूछ रहा है तो कहीं प्रेशर की बात नहीं कर रहा ना प्रेशर की बात नहीं कर रहा बेटा जी तो पीवी की पावर टू बाई थ्री इक्वल टू के नियत को मैं क्या बोल दूं के कॉन्स्टेंट कह देता हूं एक तो मेरे को पी गायब करना है आजा जा पी वी इक्वल टू क्या है एन आर टी अपॉन वी बस इसको पुट कर दे तो पी वी क्या हो गया एन अपॉन वी वी की पावर टू बाई थ्री चलो तो के मत लो क्योंकि के कॉन्स्टेंट कंफ्यूज करता है ये मान लो कि आपका यहां एस है क्योंकि के बिना मत कंफ्यूज कर सकता है अब तू तो खुद देख एन कॉन्स्टेंट आर ये तो तो ये तो की की पावर पावर तो तो क्या है टू बाई थ्री ये ऊपर जाएगा माइनस वन तो क्या बचेगी माइनस वन बाई थ्री ठीक है डियर तो आपके सामने एक रिलेशन बन गया t v की पावर माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू एस हो भाई एस कौन है कांस्टेंट है अब तू तो खुद देख रहा है तो टी डायरेक्टली डायरेक्ट क्या आ गया वी की पावर वन बाई थ्री साफ साफ है दोस्तों अगला कह रहा है गुब्बारा एक्सपेंड हो रहा है गुब्बारा फैल रहा है वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा तो दोस्तों, बढ़ेगा. तो दोस्तों तेरे सामने सामने इसका आंसर आ गया इसका टेम्परेचर बढ़ता है गुब्बारे के अंदर का ताप बढ़ता है दोस्तों आंसर नंबर एक हो गया बोलो या ना हो गया थैंक यू क्वेश्चन नंबर दो मतलब मतलब गजब क्वेश्चन का कलेक्शन है यार देखो पढ़ो क्या क्वेश्चन है। अगर साहब कहता है पी और वी के बीच कर है दोस्तों लेकिन हमने तो आज तक तो क्या पढ़ा है पी और वी के बीच कर् तो ऐसे होता है वो तभी होता है जब टी कॉन्स्टेंट है ये कहता है टी वन है ये टी टू है और ये टी थ्री है और तो हम अच्छी तरह जानते हैं टी थ्री है वो T2 से बड़ा है

थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं अब तू ए से बी चल रहे कैसे कहीं से ऐसे तू कहीं ए से बी चल ले ए ऐसे ए से बी चल इसको ए कह दे ठीक है डियर और इसको तू बी कह दे इसको तू सी कह दे सॉरी बी तो ये ही करना पड़ेगा ए इसको आप एक्स कह दो ए से एक्स पे आया एक्स से बी पे गया अब तू खुद देख पहले किस पे है ये कोण है तेरा टी3 है ये कोण है तेरा टू है ये कौन है टी वन है पहले कहा है देखिए ऐसे एक से दो की ओर आ रहा है ना एक से दो की ओर आ रहा है तो पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है फिर वापस तेरे सामने ये दो से एक की ओर आ रहा है तो पहले बढ़ता है फिर घटता है पहले बढ़ता है फिर घटता है ठीक है क्लास अच्छा क्वेश्चन है पी और बी के बीच तो कर्व ये होते हैं

देखो वो क्या है आप ऐसा करो खाली करो पेज खाली करो देखो डियर इसका एक तरीका ये है ए ये ग्राफ यहां से यहां आया ये कौन है वी ये पॉइंट कौन है टू वी ये कौन है पी ये कौन है टू पी ये पॉइंट क्या है ए ये पॉइंट क्या है बी अगला ए से बी आ रहा है इस पॉइंट को अक्ष मान ले ठीक है अब एक फॉर्मूला तू जानता डियर कि पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी तो खुद देख T इक्वल टू क्या हो गया PV ये तो कांस्टेंट है तो एक बात ध्यान सुनना ये A पॉइंट है ना A पॉइंट पर तो A पॉइंट पे P कितना आ पॉइंट तो पे कितना इसकी क्या हुई तो B है टू वी तो कितना हो गया टू पी वी अब तो अक्स अक्स भी ले, तो इसका बीच कितना है एक और दो का बीच कितना होगा इसका डेट थ्री बाई टू इसका कितना होगा थ्री बाई टू तो आप देखो अक्ष पे क्या है थ्री वी बाई टू थ्री पी बाई टू दिसन बाई टू पी वी दोस्तों तो दो दोस्त ज्यादा है तो देखो यहां भी दो कोई चीज दो है और यहां भी कोई चीज दो है और यहां दोस्तों कोई चीज दो से बड़ी है तो कॉमन सेंस की बात है पहले बड़ी फिर घटी बोल बोल क्लियर थैंक यू दोस्तों ये फिर एक नया फॉर्मूला आ गया देखो पहले दो क्वेश्चन ग्राफ पे आए, पहले पढ़ी अब देखो बहुत molecular. देखो, सुनो दोस्तों इस क्वेश्चन पे जाने से पहले सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करनी पड़ेगी यदि वैल्यू होती है थ्री एक परमाणु में केस है तो उसकी स्वतंत्रता कोटी कितनी होती है थ्री अब डायटोमिक है तो डायो एटोमिक फाइव होती है लिखेंगे तीन तो हमेशा दो कौन होगी रोटेशनल पे तो आता है तो ट्राई पे दोस्तों सात भी होती है और छह भी होती है तो सात को तो लिखते हैं तीन प्लस दो प्लस दो और छह को लिखते हैं तीन प्लस तीन याद पूरे काम आएगा सुन एक प्रमाणी में गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन डायटोमी गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पांच पर तीन प्लस दो तीन ट्रांसलेटरी दो रोटेटरी ट्राई है तो ट्राई में दोस्तों सात भी है छह भी है कैसे आप देखो देखो दोस्तों ये, दोस्तो ये भी ट्राई है ये भी ट्राई है ये भी त्रिप्रमाणी है ये भी है ढांचा बदल गया ना तो फंडा है सीधे में तो सात होती है टेढ़े में छह होती है अंग्रेजी सुन ले भैया स्टेट में सेवन है तो ये सात कैसे है? तीन तो कौन है, फिक्स है। कौन है? ट्रांसलेटरी दो रोटेशनल दो वाइब्रेशनल तीन प्लस तीन तीन ट्रांसलेटरी और तीन रोटेटरी दोस्तों ये वाइब्रेट करेगा ये वाइब्रेट नहीं करता है। बात नहीं पड़ रही है बस याद हो गया बोलो बोलो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो गई एक प्रमाण में की तीन डाई की पांच ट्राई की सात और छोटे तीन प्लस दो ओके डियर आ जा अब मैक्सवेल के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नियम से बात करें तो दोस्तों जो एनर्जी बनती है वो एक्चुअल बनती है एन एफ बाई टू आर टी सीधी सी बात ही ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं बड़े एक तरीका होता है एन एफ बाई टू आर टी बस हो गया एन तो क्या है ओ भाई आर है तो एन क्या आएगा मोल आएगा फिक्सर देखे आर है तो एन मोल को बताएगा के है तो एन की संख्या बताएगा बस अब अगला साफ कहता है स्थानांतरण में में का मान क्या क्या होगा तीन। गुणन में क्या होगा दो तो तीन दो कर दे रोल, रोल डिग्री ऑफ फ्रीडम को याद रखने का है और उसके बाद ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला सर मैक्सवेल का

बल वो होते हैं जिसमें एक कंप्लीट साइकिल में किया गया वर्क क्या होता है जीरो इट कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स जैसे आपका जो, जो, जो भी फोर्स एफ इनवर्सली आर स्क्वायर को फॉलो करते हैं ओल आर कंजर्वेटिव बोलो हाया ना जो भी स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करते हैं जैसे गुरुत्वी बल विद्युत बल चुंबकीय बल ये सारे क्या है कंजर्वेटिव है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स न्यूक्लियर फोर्स मोल्यक्लियर फोर्स ये कभी नहीं होते कंजर्वेटिव क्योंकि ये एफ इनवर्स प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर को फॉलो नहीं करते हैं तो दूसरे फोर्स क्या होते हैं ऐसा नॉन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जिसमें कंप्लीट लूप में का वर्क जीरो नहीं होता है रिपीट कर दूं बात को वो होते हैं जिसमें एक बंद चक्र में किया गया कार्य जो बंद चक्र में किया सुनने नहीं होता है थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट है वो कौन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और इस साइक्लिक प्रोसेस में जो किया गया कार्य है वो इस साइकिल के द्वारा कवर्ड एरिया के बराबर है और कवर्ड एरिया में चक्कर है या तो एस बनेगा या एन बनेगा एस बनेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा एन बनेगा तो वर्क नेगेटिव ये बात और सुन ले यहां पर ले आजा भैया ये तेरे सामने सामने क्या है रे ये तेरे सामने सामने दोस्त ये ए ए ए, 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 तो पहली बात तो ये एस है पॉजिटिव है अब ये त्रिभुज है ट्रेंगल बन गया ना तो एक बट्टा दो आधार कितना है V नोट ऊंचाई कितनी है P नोट तो इसका आंसर है V नोट P नोट बाई टू बस ठीक है डियर और ये पॉजिटिव है एस बनाना तो पॉजिटिव है और बहुत सोनी चीज रहे ओ बहुत सोनी चीज है डी इक्वल टू जीरो क्यों जहां से चले वापस वहीं आए तो वो इनिशियल है वो फाइनल इसे डी जीरो हो जाता है बहुत पहले लाइन करता रहे बोल गया क्या डी क्यू इक्वल टू डीयू प्लस डी डब्ल्यू डी यूज इंटरनल एनर्जी डी यू डिपेंड ऑन पाथ आप कहां से चल के किस रस्ते से आए हमें से कोई मतलब नहीं है जहां से चले वापस वहीं आ गए तो डी यू क्या हो गई जीरो तो दोस्तों इसको डी यू जीरो कहते हैं और जहां डी यू जीरो होता है उसका एक नाम और भी है इसको समतापी प्रोसेस भी कह देते हैं डी यू जीरो का मतलब क्या हो गया प्रोसेस है, तो दोस्तों डी यू जीरो होते ही, आप ये भी कह सकते हो डी क्यू डी डब्ल्यू के बराबर है अब यदि डी डब्ल्यू प्लस आ गया तो डी क्यू प्लस है तो कहेंगे हीट सिस्टम को दी और डी डब्ल्यू माइनस आ गया तो डी क्यू क्या आ गया माइनस है, हीट सिस्टम से ली बस तो सारी बात बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ओके okay, अब पढ़ पहला क्या कहता है चक्कर एबीसी में दी गई कुल कुलुशमा शून्य है हो ही नहीं सकती चक्कर एबीसी में किया गया कार्य शून्य हो ही नहीं सकता चक्कर एबीसी में किया गया कार्य एक बटा दो पी नोट वी नोट है बिल्कुल सही तीसरा क्वेश्चन आ गया पले पड़ी और मैंने तेरे को खूब सारी बातें लपेटने की कोशिश की इसमें बोल पले नहीं बड़ी बात थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव दान से बैठ जाओ बायल का नियम चार्ल्स का नियम और गेलुसेक का नियम पेज खाली करें एक बार भाई ये समझ लो आप क्या है दोस्तों टू एन आर टी दी पहली बात आप सुनो ये बाइल गैस जो नियम है गेलो गैस पे लागू होते हैं वो भी कौन सी गैस पे आइडल गैस पे तो गैस जब भी दोस्तों पड़ी पढ़, जाती है ना तो पात्र को बंद करना होता है ये पात्र खुला है

T कॉन्स्टेंट है यहां पी कॉन्स्टेंट है या वी कॉन्स्टेंट है बोलो या ना, कोई दिक्कत नहीं है ना बाइल का नियम चार्ल्स का नियम और गेलुसे का नियम समझ गए आ जा अब आप क्वेश्चन आ जाओ लो आ जा भैया क्वेश्चन खोलना अब दोस्तों ये क्वेश्चन प्रश्न है अब इसमें आपको ए बी प्रोसेस में क्या है सी डी पथ पे क्या है बी सी पथ पे क्या है अलग अलग पथ है हमें नहीं पता क्या ऑब्जेक्ट है हम तो आपको चारों पथ निकाल देते हैं क्यों भाई हम तो आपको चारों पथ निकालते हैं तो लो दोस्तों सबसे पहले अपन केवल ए बी पथ की बात करते हैं भूल जा प्रश्न को बुरे को मैं माना तेरा थोड़ा तो टाइम दे रहा हूं भाई पर मैंने कहा ना कि मेरा काम केवल पेपर को सोल्यूशन करना नहीं है मुझे टॉपिक लपेटना है देख भाई तू ए से बी पे गया ये टी है ये P है तो कॉमन सेंस की बात है इसमें तो T कॉन्स्टेंट है जैसे तू तो T कॉन्स्टेंट करेगा मुझे पता P V के है। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है यार A पर P का मान कम है B पर P का मान ज्यादा है तो P बढ़ रहा है तो V घट रहा है तो कॉमन सेंस की बात होगी वी सॉरी VA VA वी ए ग्रेटर देन वी बी ए ज्यादा है बी कम है इसका ये पात्र कंप्रेश हो रहा है संकुचित हो रहा है ठीक है भाई बोलो बोलो पात्र संकुचित हो रहा है ओके डियर, टी कॉन्स्टेंट है, है तो डी टी जीरो जब डी टी जीरो होता है तो डी यू जीरो और डी यू जीरो होता है तो तेरा डीक्यू बराबर क्या बन जाएगा डी डब्ल्यू और तू खुद जानता डी डब्ल्यू क्या होता है पीडीवी खुद जानता है दोस्तों जब कोई पात्र संकुचित होता है तो कार्य निकाय के ऊपर किया जाता है वर्क डन ऑन सिस्टम वो क्या होता है नेगेटिव तो कॉमन सेंस की बात है इस प्रोसेस का डीक्यू क्या आ गया नेगेटिव ए बी पथ का अब क्या दिया इसने ए बी प्रक्रम में किया गया कार्य धनात्मक है ये बात तो यहीं गलत होगी लॉजिक बोलो हां या ना जल्दीबाजी मत करिए यार मैंने ए बी पथ पकड़ा

बीसी पद क्या है ये देख ये तेरा टी और ये तेरा पी ऐसे तो कॉमन सेंस की बात है वी कांस्टेंट है तो बताया तेरे तो को मैंने यहां वी कांस्टेंट है तो तू खुद देख वी आपका दोस्तों यहां कांस्टेंट है अब तू बी से सी पर जा रहा है साफ साफ पता लगा तेरे को ठीक है तो डियर तू बी से सी पर जा रहा है यहां तेरा कौन है वी कॉन्स्टेंट है लड़के 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 वी कॉन्स्टेंट है तो डी डब्ल्यू जीरो

सी जाने में तेरे सामने सामने बी से सी जाने में टेम्परेचर तो बढ़ रहा है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तो आंसर दोस्तों थर्ड क्या हो गया आपका सही हो गया ओके अब आप चाहो तो लो मैं आपको सीडी लोग दिखा देता हूं पूरी बात कर ले अपना तो पूरी बात पढ़नी है ना पहले पढ़ गया यहां तक आ जा अब सी तो सीडी पे आ जा सीडी पे तेरे सामने क्या वही कहानी है सीडी पे देख ये रहा ये ये वीसी है वीडी है पी घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब नहीं हो सकता फर्स्ट नहीं हो सकता है एक बार पोज करके दोबारा देख ले मेरी गारंटी ग्राफ में कई बात नहीं खाएगा तो थैंक यू हाँ डियर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो फाइव की एक प्रैक्टिस है जैसा पांचवा चौथा पांचवा थे इसकी प्रैक्टिस है देखो ध्यान दो

एनआरटी तो पी वी ए से बी पर पी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वर्क वर्क डन डन ऑन ऑन सिस्टम सिस्टम क्या होता है, जब DW है तो डी क्यू नेगेटिव है डी क्यू नेगेटिव मतलब है हीट सिस्टम से निकल रही है हीट सिस्टम से निकल रही है निकाय द्वारा निष्कासित की जा रही है क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर की तो पहले देखो सुंदरता उसके इसके पहले मैं आपको तीन रिलेशन है उन तीनों की बात करता हूं सबसे पहले दोस्तों एक होता है वर्क मध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी आर एम एस जो ही मूल काम की इसके अंदर वी आर एम एस वो होती है थ्री आर टी अपन

आठ आर टी अपॉन पाई एम फिर कोई बात है अब यदि इसको मैं के कर दू आठ के टी अपॉन पाई स्मोल एम दे धान क्लास एक होता है मोस्ट प्रोबेबल सर्वाधिक प्राइक चाप जिसको अपन कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वी एम पी वो होती है टू आर टी अपॉन कैपिटल एम या टू के टी अपॉन स्मोल एम धान दे चीज पे खड़ा खड़ा रहता हूं सबसे पहले एक आर वी एवरेज होता है ये 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 का मतलब दोस्तों के के, के के साथ ओके डियर ये तीन हो गए लेकिन यदि इन को इसमें लगा बिना दिमाग लगाए तो नेगेटिव कर दोगे क्या कहता है माना किसी पात्र में गैस का एक अणु है एक अणु है तो फिर आप सोचोगे तो साहब सबसे बड़ा तो ये छोटा भैया एक अणु के तो बराबरी होंगे यार यही इस क्वेश्चन की सुंदरता है हाँ दोस्तों संबंध की बात करें तो सर्वाधिक कौन है उससे उससे कम कम है 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 वी एवरेज कम है? वी बट होगा क्यों क्यों नहीं किसके लिए पूछ रहा एक मॉलिक्यूल के लिए यही नीट की ब्यूटी है नीट की सुंदरता यही है और यही आदमी फिर बाथा पकड़ता है जब मिलाता पेपर तो और नेगेटिव हो गया यार और एक क्वेश्चन क्या होता है बेटा जी बताऊं आपको मैं एक क्वेश्चन पांच नंबर का होता है पांच नंबर में आदमी एस से सीधा बीकानेर पहुंच जाता है और बीकानेर का बच्चा पहुंच, पहुंच जाता है, बहुत है एट दे by, e PV. तो वो कहता e क्या है देखो याद करो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा है ई इक्वल टू एन एफ बाई टू आर टी पी वीवल टू एन आर टी क्या बन गया पीवी तो इक्वल e टू क्या आ गया एफ बाई टू पी वी एफ दोस्तों वैसे एक बात कहूं मैं हो सकता बोलने में गलत हो आइडियल गैस ऑलमोस्ट मोनोटोम होती है तो आप थ्री बाई टू आर टी कुछ लोग वहां से कर लेते हैं पर वो नहीं है कुछ भी हो जाए तीन हो चाहे पांच हो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहे छह हो या सात हो जो हो तीन ही होगी ना स्थानांतर तीन ही रहेगी ना इसका आंसर होगा थ्री बाई टू पी वी तो ये क्या हो गया कुल स्थानांतरण गतिज ऊर्जा ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर नो अब देखो बचवाड़ा हो गया पी और वी के बीच कर्व है तो कॉमन सेंस की बात है वी कांस्टेंट है वी कांस्टेंट है इसका मतलब आइसोवोल्यूमेट्री प्रोसेस है समायतनी प्रोसेस है समायतनी प्रोसेस में आप जानते हो दोस्तों डीवी क्या हो गया जीरो तो डीडब्ल्यू क्या होता बार बार लिख दू लो मैं पी तो डीवी जीरो तो कार्य क्या हो गया सुनने ओके थैंक यू हाँ डी क्वेश्चन नंबर टेन देखो दोस्तों अगला साफ कहता है इस

तो ए बी सी पे आ, ये कौन है 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 तो इसका एरिया निकाल तो दोस्तों दो है और दोस्तों कितना है एक है एक एक आउट, तो इसका तो आ गया पाई अब इसका देखे दूसरे वाले का वही तेरा पाई बाई टू ये कितना है साढ़े तीन से ढाई कितना कितना हो गया पॉइंट फाइव

इस प्रकार जब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है लो इसमें ग्राफ ग्राफ को को एक बार पेज खाली करना मैं इस को देखो ऐसे बनाता ये आपका है, ये आपका T2 है तो पहली बात तो बिना सॉल्यूशन के याद रख लो जो दूर है वो टेम ज्यादा होता है पास है वो कम है तो आंसर तो दोस्तों हो गया टी टू ग्रेटर एक बात सुनना इसको जो बच्चे को देख रहे हैं कई बार बच्चों को लगता है ऐसे कैसे हो गया भाई प्रैक्टिस से हो जाता है ये मैं आपसे कहूं कि यार यार्मो क्या फोर्स का तू ये क्या, क्या है ये तेरे प्रैक्टिस हो गई ऐसे इनकी प्रैक्टिस हो जाती है ये तो इसका आंसर हो गया अब इसको अपन सोल्ड कैसे करें तो देखो मेरे पास इसका तरीका है मैं क्या करता हूं इधर से कट लगाता हूं इसके ऊपर ऐसे कट लगा लिया मैंने तो यहां p क्या हो गया कांस्टेंट p कांस्टेंट होते दोस्तों हैं दोस्तों pv equal to nrt तो vt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अब कॉमन सेंस की बात है इस t t का संबंध इस v1 से है इस t2 का संबंध इस v2 से है तो स्पष्ट पता चल रहा है v2 बड़ा है तो vt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो t2 बड़ा है क्लियर रट्टा मत मारो लो आपको सब आप हो औसत आप रट्टा लगा रखा हूं ये दोस्तों v ये आपका p और ए ये फिर कर खास दो ये तेरा कौन है T1 ये तेरा कौन है T2 ले एक काम कर इस बार तू तो कट इधर से लगा ले ये कट लगा ले ये कट लगा लिया तो V क्या हो गया तो दोस्तों, पी वी टू क्या है एनआरटी वी कॉन्स्टेंट है तो P क्या है T के प्रोपोर्शनल तो T1 का संबंध किससे है P1 से T2 का संबंध किससे है P2 से बड़ा कौन है P2 तो बड़ा कौन है T2 सिंपल सी बात है कैसे करके देख लीजिए बाकी तो ये अब मेरे हिसाब से अब एग्जाम में आएगा तो याद हो गया छब्बीस जुलाई तो याद रह जाएगा यार थैंक यू दोस्तों दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को पढ़ने से पहले आपको थ्योरी की दो बात याद रखनी होगी एक आइडियल गैस एक रियल गैस क्या फर्क है आइडियल गैस वो है जिनके अणुओं के बीच कोई किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगता है जब कोई फोर्स नहीं लगता है तो गांठ बांध ले पोटेंशियल हमेशा क्या हो गई जीरो ओके तो आइडियल गैस में केवल केवल कौन होती है काइनेटिक अब तेरा प्रश्न कहता है कि तू जीरो पे आ गया तो वीआरएमएस भी क्या हो गया जीरो तो काइनेटिक भी क्या होगी जीरो तो जीरो कैलिविन पर आइडियल गैस की टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है क्योंकि पोटेंशियल पहले जीरो थी कारण देर आर नो इंट्रामोलिकुलर फोर्स अब वही गैस तेरी वास्तविक है रियल गैस है तो वहां दोस्तों एक फोर्स है अणुओं के बीच भी तो ना वहां काइनेटिक जीरो है ना वहां पोटेंशियल जीरो है बट यदि तू तो जीरो केल्विन पे आ गया गया तो तो वीआरएमएस क्या क्या हो गया? जीरो तो क्या हो जीरो काइनेटिक होगी केवल कौन बची पोटेंशियल तो सुन ले रहे जीरो केल्विन पर आइडियल गैस की टोटल ऊर्जा शून्य होती है बट रियल गैस की टोटल ऊर्जा जस्ट इक्वल टू क्या होती है पोटेंशियल ओके अब क्या पूछता अब क्या कहता है जीरो पे गैस गैस है, तो की दोस्तों गति ऊर्जा भी जीरो ये स, ये ये डेंसिटी जीरो नहीं हो सकती भाई वजूद जीरो नहीं हो सकता मास जीरो नहीं हो सकता डेंसिटी जीरो नहीं हो सकती बोलो हाँ या ना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका ओके थैंक यू क्वेश्चन थर्टीन सबसे कॉमन सबसे ज्यादा बार आया क्वेश्चन अगला साफ कहता 27 डिग्री पे की इवन है टेम्परेचर बढ़ा थ्री ट्वेंटी सेवन कर दिया जाए तो इसकी एनर्जी क्या होगी लड़के सीधा फॉर्मूला है ई इक्वल टू थ्री वाई टू आर टी अपना मास्टर तरीका होता भैया इक्वेशन वन बनाओ इक्वेशन टू बनाओ एक में दो को भाग टिकाओ तो कौन कौन चेंज हो रहा है टी और ई तो इक्वेशन बन जाएगी ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू दोस्तों 27 डिग्री तो कॉमन सेंस की बात है कुछ होता है डिग्री सेल्सियस तो चेंज किसमें करना होता है केलीविन में क्या जोड़ो 273 तो 27 प्लस टू क्या हो गया 300 और ये दोस्तों क्या हो गया आपका 600 ओके okay, डियर ये तेरा कैंसिल आउट हो गया इसका आंसर आ गया वन बाई टू तो ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू वन बाई टू अगला आपसे ई टू पूछता है तो भैया क्या हो गया टू ई वन कहीं कोई दिक्कत नहीं है ओके सिंपल क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को समझ लो ये देखो मैं इसमें बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आपसे टीचर हो या स्टूडेंट हो प्रश्न देख के ऑब्जेक्ट मिला के आंसर निकालना बहुत आसान होता है दोस्तों इनका लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में भी मिस्टेक करने के लिए ब्रह्मास्त्र होते हैं और ये आपको आ रहा है इसका मतलब के आपको पूरी आ रही है और इसमें एन अणु गैस भरी हुई है मोल नहीं अरे अब वो कहता है यदि पात्र की गतिज ऊर्जा को नियत रखे दोस्तों इक्वल टू क्या हो कॉन्स्टेंट हो और अणु की संख्या डबल कर दी जाए एनडेस 2n तो नया p2 क्या होगा t2 क्या होगा ये तो बात आई देखो थोड़ा सा साथ लो मेरे इनर्जी का रियल फॉर्मूला क्या होता है n f 2 kt जान जाओ क्लास में के लूंगा रहा पर आ नहीं लूंगा के क्यों लूंगा क्योंकि अगला मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल रहा है नंबर ऑफ मोल नहीं कह रहा है अब आप दोस्तों आप क्या कह रहे हो e कांस्टेंट है f नहीं बदला k नहीं बदला अब ये चीज़ कांस्टेंट है और एन डबल हो गए तो कॉमन सेंस की बात है टी अपना हाँ दो चीज का गुणा कॉन्स्टेंट है।, हाँ तो हाँ तो टू टू तो है और ये भी सही हो सकता है यह तो हो ही नहीं सकते दोनों अब प्रेशर पे आए तो प्रेशर में दोस्तों आप जानते मास्टर फॉर्मूला एनर्जी क्या होता है थ्री बाई टू टीवी होता है हम सब जानते तू कहता ई कॉन्स्टेंट है पात्र वही है वी है तो अपने आप क्या हो गया पी तो पी वन पी टू के बराबर है।, अच्छा है।, है? है कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आप एक बार एक पेज खाली करें देखो दोस्तों बड़ा सिंपल है अपन जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरडीटी दूसरा पी डीवी इक्वल टू एन आर डी टी इधर कोई चेंज है इधर भी कोई चेंज करना होगा अब आप ऐसा डेल्टा ये है डेल्टा चाहिए एक, तो एक मिनट खाली करना तो डेल्टा क्या है दोस्तों डेल्टा क्या है डेल्टा v अपॉन वी डेल्टा टी बस याद करो इसका नाम याद है क्या है इसका नाम आयतन प्रसार गोनाथ ओलिमेट्रिक एक्सप्रेस ऑफिशिय

आपको साफ कहता अगला क्या पूछे अगले ने एवरेज मोलिकुलर स्पीड एवरेज मोलिकुलर स्पीड दोस्तों हम सब जानते क्या होती है आठ आर टी एम बोला कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो आ जाए। PV कुल टू क्या होता है एनआरटी तो आर टी कुल टू क्या हो गया एन तो छोड़ो पहले कॉन्स्टेंट है क्या हो गया पीवी सिंपल सी बात है तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लें वी एवरेज इक्वल टू आठ जहां लिखा हुआ आर लो पूरी बात कर आपके लिए जहां लिखा हुआ है आर टी वहां मैं क्या लिख दू पीवी बटे पाई कैपिटल पिटल एम एन लेकिन आपने पात्र पैक कर लिया ना यार तो एम क्या है मोलिकुलर वेट है एन क्या है नंबर ऑफ मोल है वो तो चेंज कर नहीं रहे वन मोल है इससे खेल खत्म हो गया तो ये आपका कांस्टेंट हो गया तो देखा जाए तो ये एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है रूट पी वी है यार अब तो खुद देख ले यार जहा पी और वी का मल्टीप्लिकेशन देखना है तो एक नंबर पे क्या है एक नंबर पे तो क्या है एक नंबर पे देखो तो क्या, तो क्या है ये है वी नोट पी नोट वी नोट पी नोट दो नंबर पे क्या है भैया वी नोट तो ये क्या हो गया फोर वी नोट पी नोट और तीन नंबर पे क्या है तेरा वही फोर वी नोट पी नोट, तो दोस्तों बिल्कुल सीधी सी बात है एक चार चार बटिया रूट के अंदर है जैसा कहता मैंने एक दिन कहा था पहले भी जिस आदमी को लैंग्वेज पढ़नी आती है ना जिसको थोड़ी पढ़नी आती है इंग्लिश में मीडियम आपका है वो फॉमूला याद हो तो फिजिक कहीं मुश्किल नहीं है तो भैया क्या करेगा भैया कोचिंग क्या करेगी भैया पेरेंट्स क्या करेंगे भैया थैंक यू क्वेश्चन सेवनटीन ऐसे दे दिया बच्चों के लिए कुछ ना दोस्तों एवरेज चार पूछिए जोड़ के पांच का भाग दे दो यार तो एक दो तीन चार पांच पांच चार नौ नौ तीन बारह चौदह पंद्रह बट्टे पांच आंसर आ गया तीन छोड़ना यार ओके थैंक यू ये दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं है भाई ना इसका आंसर है ये तो मतलब एक आवश्यकता पूरी करनी है ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब यूं बीस से बात पूछ लेके लेने देखो दोस्तों कहता है, टू यू एफ के टी रिप्रेजेंट यू इंटरनल इधर्जी के वोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट और ये टू यू एफ के टी राशि किसको बताता है इक्वल टू एन एफ बाई टू के टी याद आ गया जैसे के आया एन क्या आ गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल साफ कहता है भैया यहां पर छोटा के है तो छोटा के है तो एन अपने आप ही क्या आएगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल तेरह क्या चाहिए टू यू इसको एक ही बात है इसको ई e बोल दे चाहे यू बोल दे फर्क नहीं पड़ने वाला कोई एक ही चीज होती है अब आ तो टू यू ऊपर ले जा ठीक है नीचे एक। क्या ला एफ के टी इक्वल टू क्या बचा एन अब मेरा फंडा अब यहां काम आया जो अब तक बोल रहा था मैं के के साथ एन है इसका मतलब अणु की संख्या है गैस के अणु की संख्या है मोल संख्या नहीं है यह है मेरा कॉन्सेप्ट मूल स्टॉपिक का कंफ्यूजन है के बोले तो अणु मोलिक्यूल एन बोले तो मोल यहां दोस्तों आर होता तो ये आंसर क्या बन जाता मोल बन जाता ओके थैंक यू दोस्तों थ्योरी का श्रेष्ठ क्वेश्चन है आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल दोस्तों डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पे ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बहुत कुछ कहता है और एक ऐसी सिली मिस्टेक है जो बच्चा करता ही करता है आ जाओ ये एक्चुअल थर्मो डाइनमिक्स का फर्स्ट पे डिपेंड करता है क्वेश्चन हम जानते हैं डीक्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू अब तू जानता ए से बी पर इस पथ से जा इस पथ से जा पोजिशन चेंज नहीं हुई ना तो अपन जानते हैं दोस्तों डी यू होता है हमेशा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डी यू डजेंट डिपेंड ऑन पाथ बट डी क्यू एंड डी डब्ल्यू बोथ आर डिपेंड्स ऑन पाथ तो एक बात कहता हूं मैं डी क्यू डी डब्ल्यू नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पाथ बट डी यू यू फाइनल माइनिस यूनिशियल आंतरिक ऊर्जा जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट होता है वो बिंदु का गुण है पथ का उसका कोई लेना देना नहीं है जबकि तो डी क्यू और डीडब्ल्यू पाथ का गुण है तो तू A से बीच एक QA, इस पद से जा या इस पद से जा एक बात पूरी हो गई कि दोनों का डी सेम होगा तो डीयू सेम होगा तो फिर जिसका डी DW डी डब्ल्यू ज्यादा है उसका डी क्यू अपने आप ज्यादा हो जाएगा या जिसका डी क्यू ज्यादा है उसका DW ज्यादा हो जाएगा ठीक है मिटा दो उसको तक मैं? मिटा दिया. अब आप देखो अब तक हमने कर्व पढ़ा ऐसे बस ये सुंदरता है पी और बी के बीच कर्व होता है, तो जो कवर्ड एरिया जो है जो वर्क को शो करता है क्लास से, वो दोस्तों कर्व और वॉल्यूम का जो कर्व है ना अक्ष उसके बीच का कहता है यहां दोस्तों वॉल्यूम इधर आ गया तो आप देखना बी पर तो इतना एरिया है और ए पर दोस्तों मैं कलर चेंज कर दू ए पर दोस्तों इतना एरिया लिया इसने देखो तो यहां पर ए का एरिया कम है बी का एरिया ज्यादा है बस उल्टा हो गया जबकि यहां बी होता तो ए का एरिया ज्यादा होता बी का एरिया कम होता तो स्पष्ट पता लग रहा है बी का एरिया ज्यादा है तो वर्क ज्यादा है बी का वर्क ज्यादा है तो दोस्तों बी की उषमा भी ज्यादा है इसलिए क्यू बी ग्रेटर देन क्यू ए जान चाहूं क्लास का बट यही कर उल्टा करता इसको पी लिख देता इसको वी लिख देता तो आंसर हो जाता फर्स्ट ना सुनना P और V के कर्व के द्वारा कवर्ड एरिया वर्क होता है लेकिन एक कवर, कर्व और कौन सा अक्ष 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 नहीं जिस पे V है जिस पे पे वॉल्यूम है वो तो वाई की तरफ ले लो बोलो मानते हो ना ये गलत दोस्तों एग्जाम भैया यही दोस्तों यहां पी वी होता आंसर चेंज हो जाता रट्टा नहीं मार सकते ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जो है ना ध्यान से बैठ जाओ आप लोग छोड़ो क्वेश्चन क्या है पहले पूरी बात सुनो डी क्यू डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू ठीक है एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा दोस्तों Q का एक फॉर्मूला होता है रियल में देखा जाए तो NSDT, तो बात पूरी करते हैं इसको अपन डी क्यू कह सकते हैं क्योंकि इधर चेंज तो इधर चेंज S कौन है स्पेसिफिक हीट है लिक्विड हो सोलिड हो तो एस होता है अभी गैस हो गई तो गैस में आप जानते हो सीपी या सीवी काम आता है है ऐसी सीपी भी एक स्पेसिफिक हीट है सीवी भी स्पेसिफिक हीट है बट वो कन्वर्ट हो गया तो दोस्तों अब आप एक बात बताओ मेरे को डी क्यू को मैं डी यू कब लिख सकता हूं मैं डी क्यू को डी यू तब लिख सकता हूं जब मेरा डी डब्ल्यू जीरो हो और डी डब्ल्यू जीरो की पहली शर्त है मेरा सिस्टम समायतिक होना चाहिए मेरा सिस्टम आइसो होना चाहिए इसका मतलब बहुत सीधी सीधी बात है दोस्तों डी यू हमेशा ही एन टी ही बनेगा घाटवादी बड़ी बात डीयू हमेशा एनसीवीडीटी बनेगा तो दोस्तों आपका जो डी क्यू है वो क्या बन जाएगा रहा है एन सी पी डी टी और आपका जो डी डब्ल्यू है वो आप दोस्तों जानते हो क्या बनता है पी बन जाता है या एन आर डी टी बन जाता है ये तो है तो है नहीं पले पढ़ी लिख के पता कर ले आले डी क्यू क्या है एन सी पी डी टी ये कौन है रहा है एन सी डी टी और ये कौन है एन आर डीटी ओके क्लियर हो गया ना एन 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 कैंसिल आउट कर डी टी डी टी कैंसिल आउट कर बन गया ना रे सी पी माइनस सीबी इक्वल टू आर आ गया ना हेलो ये चीज डी यू ये क्यों बना क्योंकि एक्चुअल में दोस्तों फॉर्मूला डी यू का नहीं है फॉर्मूला डी क्यू का ही है डी क्यू डी यू तब होगा जब डी डब्ल्यू जीरो होगा डी डू जीरो कब होगा? होगा, होगा, जब प्रोसेस 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 तो की? रखते हुए किसी एक ग्राम गैस का ताप एक डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जिस हीट की आवश्यकता होती है इट कॉल्ड सीवी समा बोलो हाँ बात को पकड़ने की कोशिश करो दोस्तों तेरे तो सामने आ गया बस अब इसको मैं

NCVDT. This is NCPDT. ये तेरा कैंसिल आउट दोस्तों ये क्या हो गया एक बटा गामा, हेलो ये क्या हो गया एक बटा गामा हो गया ना अरे गामा इक्वल टू क्या होता है भूल गया क्या यार गामा इक्वल टू सीपी बाई सीबी होता है तो सीबी बाई सीपी क्या हो गया एक बटा गामा और व्हाट इज गामा वन बाई टू प्लस एफ है। सारी बातें बैठता यार गामा इक्वल तो टू बाई एप है एप कितना है पाँच है 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 कितना नहीं कर अगला कह रहा है। गेस कौन है? टाइटर में। ये पाँच है ना तो क्या हो जाएगा फाइव बाई से तो मैंने सबने को सब कुछ गामा भी लिया गामा एफ का रिलेशन भी लिया सब लिया उसमें क्लियर तो वैसे दोस्तों इसको याद रखना होता है गांठ बांध लो इसको कि एनर्जी का पांच भाग खर्च होता आंतरिक ऊर्जा में और दो भाग खर्च होगा बाह्य कार्य में गांठ बांध लो इसको डाइटोमिक गैस में टोटल कोई चीज मान लो सात है तो उसका पांच हिस्सा जाता है आंतरिक एनर्जी में और दो हिस्सा खर्च होता है बाह्य कार्य में टोटल सात करना ना? अच्छा क्वेश्चन है एक थोड़ा सा इसको मेरे इस एक बार सुनने के बाद रुक के फिर अपना आप करना फिर देखना अपने आप गामा इक्वल टू तो तो वन प्लस टू बाई एफ सी पी माइन इक्वल टू तो गामा देखा जाए तो सब लपेट दिया मैंने क्वेश्चन के अंदर ओके थैंक यू क्वेश्चन बाई फिर एक इजी क्वेश्चन है दोस्तों अगला कहता कॉन्स्टेंट प्रेशर पे एक बटा वी और टी के बीच क्या दिक्कत है यार देखो तो कर लो यार बच्चों वाला क्वेश्चन है पी वी इक्वल टू

और वाइव गुब्बारे को आप जोड़ दो पाइप से तो हमें नहीं पता वॉल्यूम क्या है हमें नहीं पता पता क्या है है बट इतना गैस एक से दूसरे में तब तक प्रवाह करती रहेगी जब तक दोनों के प्रेशर इक्वल नहीं हो जाते याद है ना चार्ज तब तक प्रवाह करता है जब तक पोटे समान है? नहीं हो जाता है पानी तब तक प्रवाह करता है जब तक लेवल समान है? नहीं हो जाता है वैसे गैस तब तक प्रवाह करती है जब तक दोस्तों प्रेशर सेम नहीं हो जाता है तो प्रेशर सेम करने की बात कर रही है तो अपन जानते हैं PV nRT. यहां थोड़े सी बात यहां एन जानते ना? दिया गया भार बटे अनुभार तो गैस तो वही है तो डब्लू चेंज देखो डब्ल्यू चेंज नहीं होना आर चेंज नहीं होना पी चेंज नहीं होना बस मेरे भाई तो वी इक्वल टू ये ले। इसको ऐसे ऐसा कर वही तरीका समीकरण एक बनाओ समीकरण दो बनाओ एक में दो का भाग टिकाओ हो तो आ जा तो एक दो क्यों बनाए तो तू क्या कहेगा वी एक्स अपॉन वी वाई एम एक्स टी एक्स एम वाई बोलो बोलो या ना एम एक्स क्या है अगला खुद कहता है उसका मास एम है m y तेरे को सॉरी पहले बोलियो है v x कौन है 2 v अगला साफ कह कर ना बड़ा दिखा 2 v v y क्या है v m x क्या है m m y क्या है निकालना है t x क्या है तेरे साफ दिखाई दे रहा 200 t y क्या है तेरा साफ 400 इससे कैंसिल आउट ठीक है डियर v से v कैंसिल आउट अब देखे ये तेरा इससे दो कैंसिल आउट ये ऊपर गया तो m y ऊपर नीचे आएगा m 4 ये ले यार m 4 क्लास, गैस का फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता और एक नई बात जो बेटा जी यहां आई वो नई बात ये है रे n को रिप्लेस किया मैंने m by w से एक बात सुन लो दोस्तों मोल के तीन फॉर्मूले हैं मास दिया हुआ हो मोल बनाना हो तो उसको मोलिकुलर वेट डिवाइड कर दो वॉल्यूम दिया हुआ हो मोल बनाना हो तो उसे 22.4 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए हो उसके मोल बनाने हो तो उसे संख्या से डिवाइड कर दो ऑक्सीजन बोलो कितने चार आठ बट्टा बत्तीस ग्यारह दो लीटर ऑक्सीजन कितने मोल हुए ग्यारह पॉइंट दो बट्टे बाईस पॉइंट चार नाइन मल्टीप्लाई टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल ऑक्सीजन तो नाइन मल्टीप्लाई टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री में सिक्स मल्टीप्लाई दो तीन बट्टा दो डेढ़ कर लो पड़ गई मास दिया हुआ हो वॉल्यूम दिया हुआ हो नंबर ऑफ मोलिक्यूल दिए हुए हो तो आप उसको इस तीन इस तरीके से मोल में कन्वर्ट कर सकते हो पक्का दोस्तों क्वेश्चन ट्वेंटी फोर जो है वो कहता है पी वी इक्वल टू टी सुन ले भाई समतापी समापी तो प्रोसेस है इनकी बात नहीं करनी है पीवी इक्वल टू एनआर टी पी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट फोर आइडियल गैस ये ये तो आइसोबार है एक आइसो थर्मल तो क्या फर्क पड़ता है सब पे है केवल ना केवल ना ये थर्ड हो गया ना सब पे लगता है ये, चाहे समतापी हो चाहे समतापी हो चाहे समायतनी हो चाहे हो। होते हैं आइसोथर्मल आइसोबार और आइडोमेट्रिक और आइसो वोलोमेट्रिक सब पे लगता है ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन को लपड़ लो, लो आप पढ़ लिया अब आजो मैं पढ़ाऊ आपको अगला क्या कहता है एक पात्र है उसमें गैस भरती गैस किस पे एनटीपी पे।, मतलब पे दो सौ दो, दो नीचे मैंने बर्नर लगा दिया चूल्हा लगा दिया यार गैस गर्म होगी दोस्तों गर्म होती है तो आप जानते हो अणु का वेलोसिटी बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी ऊर्जा बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा सब इस चीज को वो कहता है आप कितने हिट दे रहे हो चूल्हे से उस बर्नर से कि आपका प्रेशर डबल हो जाए ये तो क्वेश्चन है ये तो कह रहा है दो ग्राम अब कितनी गैस भरी है दो ग्राम दो ग्राम बोल दो आधा मोल बोल दो किस पे है एनटीपीएल दो सौ तेतर कैलिविन पे है। अब वो कहता नियत है दुगुना तो दोस्तों आयतन नियत है तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अंदर पी डबल है तो कॉमन सेंस की बात है किसके कारण हुआ वो t से हुआ ना बेसिकली तो t डबल हो गया तो t पहले क्या था 273 अब डबल हो क्या हो गया 500 46 तो डिफरेंस कितना हुआ 273 का हुआ ना तो दोस्तों इसका जो dq का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा ncvdt अब यहां मेरी बात पे ध्यान n यहां मैं हाफ लिखूंगा तो दोस्तों सीवी को मैं लिखूंगा 12 है रुक जा रुक जा एक मिनट सीवी 12 कैसे हो गया यहां लड़के कंफ्यूज होंगे दोस्तों तीन जूल तो एक ग्राम के लिए चाहिए पर मैं तो मोल की बात कर रहा हूं तो वहां चार ग्राम होता है हीलियम का तो बारह करूंगा और एक बात सुन यदि मैं एन जो है अणु की संख्या की बात करूं मैं इसको सीवी को तीन लू तो दोस्तों मेरा जो एन है वो क्या आएगा दो आ जाएगा तो दो लिखूंगा तो 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 तीन आएगा तो आएगा तो एक ही बात बात है है भी छह ये आपका six, इसको मल्टीप्लाई करो दोस्तों आंसर आ गया 1638. Okay? यार एक बात करना देखो डियर पानी के लिए एक पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस समझ लो चीज को पूरी बात ही कर लेते छिड़ गई तो एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका अर्थ क्या है एक ग्राम पानी का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जिस हीट की रिक्वायरमेंट है उसका नाम है एक कैलोरी तो पानी में चौदह पॉइंट पांच से पंद्रह पॉइंट पांच होता है डेप्थ की बातें कॉमन सेंस की बात क्या एक आदमी के पास एक ग्राम पानी है उसका ताप उसको एक डिग्री बढ़ाना है उसके लिए उसको जो हीट रिक्वायर्ड होती है ना इट कोल्ड स्पेसिफिक हीट अब एक बात सुनना अब यदि मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं दोस्तों नीचे तो मैं ग्राम कह दूं डिग्री सेल्सियस ऊपर मैं जूल कर दूं तो मुझे यहां चार पॉइंट एक आठना होगा एक कैलोरी जो टेम्परेचर बढ़ाती है उतना ही वर्क करना पड़ जाए आपको तो वो चार पॉइंट एक आठ जूल है सिंपल बात सुनो सर्दी के दिनों मेरे हाथ ठंडे हो गए तो मैं रगड़ के भी हाथ गर्म कर सकता हूं और मैं किसी चूल्हे पर भी हाथ गर्म कर सकता हूं इसका मतलब है चूल्हा मतलब हीट उसके ऊपर हाथ गर्म करूं और रगड़ के हाथ गर्म एक रिलेशन बनता है चाहे चार पॉइंट एक आठ जूल कार्य कर दो चाहे एक कैलोरी हीट दे दो दोनों सेम टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करेंगे एक बात होगी अब आगे चलो अब दोस्तों यदि मैं इसको रखू कैलोरी और इस ग्राम की जगह दोस्तों में यहां मोल कर दू तो यहां अपने आप क्या आ गया एटीन आ गया क्योंकि पानी का अनुभार क्या होता है एटीन होता है तो एक ग्राम का एक कैलोरी चाहिए तो फिर 18 ग्राम कितना चाहिए 18 कैलोरी दोस्तों इसको जूल में चेंज करें अब मैं इसको चार पॉइंट दो लिख दू तो चार पॉइंट दो मल्टीप्लाई एटीन ये तेरा जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस हो गया बात समझने कोशिश कर थोड़ी सी दो अब यदि मैं यहां ऐसा कर दूं ये मेरा कैलोरी है और ये मेरा केजी पर डिग्री सेल्सियस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा हजार करना पड़ेगा एक ग्राम के लिए एक कैलोरी चाहिए तो एक केलोरी में दोस्तों कितना चाहिए हजार दोस्तों फिर आपका ये क्या आएगा चार पॉइंट दो मल्टीप्लाई हजार जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस यहां बेकूफी लोग क्या करते हैं पब्लिक तो क्या कहती है कैलोरी तो सीजीएस है और किलो कैलोरी एमकेएस है ये नहीं होता यार यहां जो गलती हो कैलोरी के मात्रक ही नहीं है भाई ये तो एक लोकल पद्धति है हीट की नर... हीट की उष्मा का ऐसे मात्र कौन है कैलोरी है क्या जूल है ये है स्पेसिफिक हीट की मास्टर डेफिनेशन तीन बार ऊपर बदल लो और तीन बार नीचे बदल दो चाहे सीवी हो बात समझो एक ग्राम पानी के लिए एक कैलोरी अठारह ग्राम पानी के लिए अठारह कैलोरी हजार ग्राम पानी के लिए हजार कैलोरी अब आगे यदि मुझे कैलोरी को जूल में चेंज करना है तो ऊपर चार पॉइंट दो से गुणा कर दूंगा सुन लो फिजिक्स में ऊपर का चेंज ऊपर होता है नीचे का चेंज नीचे होता है इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग ओके थैंक यू हार्डियर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखो थोरी का एक श्रेष्ठ क्वेश्चन कह सकते हैं अगला साहब कहता है एक मोल गैस है एक मोनोटोमिक है तो एफ क्यूल थ्री आएगी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे फैल रही है तो उषमा का भाग इनर्जी का एनर्जी होती है ना देख देख लड़के डी क्यू इक्वल टू डीयू प्लस डी डब्ल्यू तो इसका एक भाग यहां खर्च होता है एक भाग यहां खर्च होता है सीधी सी बात अपन डी क्यू दो जो खर्च होती है तो कहता है गैस की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करता है वह जो कार्य रूप में प्रदान होता है तो डीयू और डीडब्ल्यू का रेशियो आपको दोस्तों निकालना है तो सीधी सी बात है डी यू बाई डी डब्ल्यू देख भाई पढ़ा चुका हूं DU तो भाई जी बिना किसी को पूछे क्या कर दे NCVDT और ये क्या कर दे एनआरडीटी पता पता डी डब्ल्यू क्या होता है एनआरडीटी क्यों 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 कॉन्स्टेंट प्रेशर है यदि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता तो तो जीरो जाता भाई ओके डियर बस अब देख एन सेन कैंसिल आउट है इससे ये कैंसिल आउट है इस क्या बचा सीवी बाई आर ठीक है अब सुन भाई सुन लड़के सुन 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 क्लास की बहुत सुंदर चीज सीवी दोस्तों हमेशा एफ बाई टू आर होती है आर से आर कैंसिल आउट सुन ले, सुन ले सुन ले लड़के सुन ले सीवी इक्वल टू एफ बाई टू आर याद कर ले इसको भैया एफ का मान थ्री है आंसर क्या आ गया थ्री बाई टू आ गया ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। देखो साफ कहता है आइडियल गैस है ए से बी जा रही है वो अलग अलग पाथ है एक ए सी से गई एक ए डी से गई एक ए बी से आई और एक ए एफ ई से आई तो कहता है कि मिनिमम एनर्जी कहां दी जाएगी तो मिनिमम एनर्जी का मतलब दोस्तों ध्यान सुनो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू तो डी तो सबका सेम है यहां पर क्योंकि ए सेम

को जैसे पढ़ा मैंने तो मुझे इसमें पता लगा कि ये एक क्वेश्चन दे रखा अगले ने और इसके कुछ आंसर जो दे रखे हैं उसको देख के मैं पहले आपसे आडियाबेटिक प्रोसेस दे रखा है तो मैं ड्यूटी बनती है मेरी तीन फॉर्मुले हैं उनकी आपसे बात करना चाहूंगा आएं खाली करें पेज पे देखो दोस्तों आडियाबेटिक देखो हमने क्या पढ़ा था पी वी इक्वल टू एन आर टी ये तो हमारा एक रियल गैस का मास्टर फॉर्मूला है जैसे प्रोसेस आडियाबेटिक हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा एक चेंज के तीन फॉर्मुले बनते हैं पहला फॉर्मूला है PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा है टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा क्या है पी वामा टी इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे भाई कोई रास्ता ही नहीं है भाई पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी गाइनस टू कॉन्स्टेंट और ट्रिपल पड़ता है ये आपको याद रखने पड़ेंगे जैसे गेलुसेक का नियम था चार्ल्स का नियम था बॉयल का नियम था वैसे ही यहां पर ये ये प्रोसेस होती है है चीज अप्लाई हो जाती है। एक बात याद रखना के में क्लास एक फंडा भी मेरा पी यूनिवर्सिटी पर पोस्टन वी वी डबल करोगे तो पी आधा होता है और वी आधा करोगे तो पी डबल होता है आडियाबेटिक में फंडा सुन लो वर्दी में और वर्दी होगी कमी में और कमी होगी यदि वी आधा करोगे तो प्रेशर दुगने से भी थोड़ा ज्यादा होगा और वी दुगना करोगे तो प्रेशर आधे से थोड़ा सा कम हो जाएगा फंडा है है में में और और कर कर दो कमी में और कमी कर दो कमी कमी ओके थैंक यू ठीक तो याद हो गए फॉर्मुले वर्दी में और वर्दी कमी में और कमी अब आ जाओ क्वेश्चन पे अगला साफ कहता है डाई गैस है कोई और टीवन टेम्परेचर पे है ए, ये ले सुन, ये ऐसा क्वेश्चन है सिलेंडर में भरी हुई है सिलेंडर पे ऊपर एक दोस्तों पिस्टन लगा हुआ ऐसा कोई ठीक है डियर इसमें गैस भरी हुई है इसको अचानक छोड़ते हैं तो इसका एक्सटेंशन होता है तो टेम्परेचर टी टू हो जाता है तो अगला साफ कहता है लंबाई पहले माना एलवन है उसके बाद लंबाई क्या होगी ध्यान सुनो क्या है एक कोई सिलेंडर है उसमें गैस भरी हुई है और हमने इसको ऐसे दबार का पिस्टन से अब किसी कारणवश पिस्टन ऊपर मुंह करना स्टार्ट कर देता है

और v के बीच रिश्ता चाहिए तो t और v के बीच क्या चाहिए tv -1 और जहां v है वहां कौन आएगा l क्यों v क्या है एक सिलेंडर में जैसे दोस्तों केवल लंबाई वेरी करती है एरिया कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम बोल दो चाहे लंबाई बोल दो भैया खाली कर ले पेज को तो खाली करते हैं दोस्तों आपके सामने t1 l1 -1 गामा -1 t2 l2 गामा -1 गामा क्वेश्चन दिखा वापस मेरे को गैस कौन है डायटोमिक वापस खाली कर ले तो गामा क्या हो गया पांच गामा क्या हो गया सात पट्टी पांच यस गैस कौन है डायटो गैस तो गामा, तो गामा हो क्या हो गया सात बट्टे पांच आ जाओ आपको क्या निकालना है क्वेश्चन निकालना आपको टी वन बाई हो गया वापस आ जाओ आपको निकालना है टी वन बाई टी टू इक्वल टू

वेल आंसर हो गया आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी, थी ना वो वॉल्यूम को एल में चेंज करना था और सबसे इंपॉर्टेंट ये भैया ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी सीधी सी बात ही है ये फॉर्मूला याद नहीं होना तो कितने ज्ञान की बात कर लो चाहिए मेरे को एक बात बताऊं दोस्तों कई बच्चे कहते हैं साहब मुझे याद नहीं होता मैं डफर हूं कई कहते हैं दुनिया में कोई डफर नहीं है कोई इंटेलिजेंट नहीं है जो भैया पांच बार पढ़ लेगा चार बार पढ़ लेगा उसको याद हो जाएगा जो किताब नहीं खोलेगा उसको कभी याद नहीं होगा दुनिया में वैज्ञानिक पैदा कोई नहीं होता है जो प्रैक्टिस करते हैं वही सब कुछ कर सकते हैं बेटा ओके थैंक यू तो 29 क्वेश्चन पढ़ो इन द आइडियाबेटिक चेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग देखो दोस्तों पहली बात सुनो आइडियाबेटिक प्रोसेस वो है जो दोस्तों डी की इक्वल टू जीरो हो यानी ना हीट दी जाती है ना हीट दी जाती है पर फिर भी इसके टेम्परेचर में एक वेरिएशन होता रहता है जिसका आंसर दोस्तों थर्ड होगा देर इज नो ट्रांसफर हीट बढ़ता टेम्परेचर में फेरी टेम्परेचर बदल सकता है दोस्तों होता है जानते हैं साइकिल के टायर की ट्यूब की अचानक ट्यूब फटती है हवा ठंड लगती है में याद करो क्योंकि अचानक फटती है इस ना एक होता आइसोथर्मल प्रोसेस एक होता आडियोमेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल धीरे धीरे होता है आडियोबेटिक एकाएक होता है अचानक होता है आर्डियाबेटिक का मतलब ये है वो इतना जल्दी होता है कि उसको लेने और देने की फुर्सत मिलती नहीं है ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन थर्टी यहां एक बात याद रखो रहे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दुनिया में एक ही होता है एफ बाय टू एन आर टी ना एफ बदला ना एन बदला ना आर बदला और ना यहां पर टी बदला दोस्तों इसलिए इसका रेशियो हो गया वन इज दे क्लास एनर्जी जो काइनेटिक है वो डिपेंड केवल किस पे करती है टेम्परेचर पे अगला साफ कहता है टेम्परेचर समान है नहीं भी कहता है तो अपन जानते हैं दोस्तों एक मिक्सर के कभी दो है नहीं हो सकते क्योंकि दो हैं तो वो दोनों गैसे अपने एनर्जी को तब तक ट्रांसफर करती रहेंगी जब तक दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती हैं तो आपका आंसर हो गया वन इज टू वन ओके थैंक यू हाँ दोस्तों क्वेश्चन थर्टी वन ये आइडियाबेटिक प्रोसेस का एक प्रैक्टिस अपने लिए क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस है अगला साफ कहता भाई 27 डिग्री पे वन वाइंड एटमोस्फेयर प्रेशर पे एक आइडियल गैस है जो आइडियाबेटिक रूप से कंप्रेस होती है तो उसका प्रेशर कितना हो गया एट गुना हो गया तो बताओ टेम्परेचर कितना है तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिश्ता बनाना अपने को तो दोस्तों अपन क्या कहते हैं पी की पावर गामा और पी की पावर वन गामा इक्वल टू कॉस्टेंट बोलो हाँ ना ये मेरे हाथ में नहीं है अगला टी वेरी करवा रहा है पी को वेरी कर रहा है ओके अब अपना वो इस तरीके का इक्वेशन एक बनाएंगे इक्वेशन दो बनाएंगे आ जाओ तो तो दोस्तों इसको ऐसे भी कह सकते हो टी गामा ती वन गामा इक्वल टू इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं टी पी वन माइनस गामा अपॉन गामा जानते हो तो कर सकते हैं ना कोई दिक्कत नहीं बस अब आप दोस्तों इक्वेशन वन बनाओ तो टी वन टी वन वन माइनस गामापोन गामा टी गामा, टू टी टू गामा 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 अब अब आप इधर देखो T1 T2. T1 T2. तो क्या बनेगा ठीक है थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लो पी को आप पी कह दो ये तेरा आठ पी हो गया ये तेरा क्या है थ्री बाई टू तो वन माइनस थ्री बाई टू क्या बचा तो पूरा करो तेरे वन माइनस थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू देते हैं भैया आ जा अब तू तो खुद देख टी वन बाई टी टू इक्वल टू एट ऊपर क्या है माइनस वन बाई टू माइनस वन टू टू बाई थ्री कैंसिल आउट टी वन बाई टी टू यह तेरा क्या है दो की पावर तीन ये माइनस एक तीन अभी तीन से तीन कट जाएगा तो क्या बचेगा दो क्यू माइनस वन तो ये एक्चुअल क्या बन जाएगा वन बाई टू बच जाएगा तो दोस्तों टी टू का मान क्या आ गया? टू टी वन टी वन क्या है तीन सो टी वन क्या है तीन सो तो टी टू क्या आ गया छो छो आया केल्विन हमें क्या चाहिए डिग्री सेल्सियस तो दोस्तों इसका अंतिम ताप क्या होगा तो तीन सो डिग्री सेल्सियस ऐसा ऑब्जेक्ट को दिया हुआ नहीं इसमें भैया तो आंसर क्या हो गया फोर्थ लेकिन फोर्थ आंसर नहीं बोलेंगे मेडिकल में और सबसे इजी क्वेश्चन है कार्नोट पे दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इफिशिय का वो बनता है डब्ल्यू बाई क्यू एक तो ये है और इस फॉर्मले को आप सिंक टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर कन्वर्ट करना चाहें तो एक फॉर्मुला बन जाता है वन माइनस

कार्य कितना है तो कार्य की बात अगला पूछता है तो ए डब्बल टू वन माइनस है निकालना है। Q तेरे को अगले दे रखा टी वन क्या है? ज्यादा वाला छो को जोड़ दो कितने भाई? बोलो बोलो कितना हुआ? 900. T1 क्या है? है तीन सो फिर क्या है दोस्तों 900 और आपका क्यू कितना है तीन हजार किलो कैलोरी है तो आंसर किसमें तो चार पॉइंट दो से गुणा कर दो क्या हो जाएगी जुलम मुझे करना पड़ेगा रास्ता नहीं है इसके अलावा कोई अब ये देख ये तेरा कितना बचा छो पूरा गुणा करना तेरे ये तेरा कितना बचा छो बौ सो तो छसो बटा दो तो सो कितना हो गया दो बट्टे तीन मल्टीप्लाई कितना है तेरा तीन हजार मल्टीप्लाई कितना है चार पॉइंट दो मल्टीप्लाई कितना है दस की पावर तीन ये देख तेरा कितना बच गया हजार. ये दस की पावर तीन भैया ठीक आठ पॉइंट चार आठ पॉइंट चार गुणा दस की घात आठ पॉइंट चार सारी बात आंसर आ गया सेकेंड सुनो एक मिनट ध्यान से करना क्वेश्चन को तीन हजार किलो कैलोरी है

लोअर चर टू बॉडी एट हाई टेम्परेचर कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों ये क्या है ये लॉ है और सेकंड लॉ में एक चीज और भी है याद करो कि ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है जिसकी इफिशियंसी हंड्रेड परसेंट होकेश्चर थर्टी फोर जो है ना ये मीडियम ये नहीं आएगा नीट में नीट में दो क्वेश्चन साथ नहीं आते यहां दो क्वेश्चन साथ हो गए कार्नोट भी आ गया और आइडियोबेटिक भी आ गया तो मैं आपको पूरा कर देता हूं लोग इसमें अगला पूछता है इंजन की इफिशियंसी क्या है तो इंजन इफिशियंसी तो मैं जानता हूं वन माइनस

v गामा माइनस वन तो टी वन वी वन गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू गाइनस वन ठीक ओकेटमिक सात बटे पांच तो सात बटे पांच माइनस एक कितना बचा रहे दो बट्टे पांच वाट इज v2 टू बत्तीस तो बत्तीस बट्टा एक दो बट्टे पांच अब यहां बड़ा तगड़ा फंडार है बत्तीस का एक बेटा पांच निकाल दो चार आठ सोलह बत्तीस बत्तीस इसको यू सोल्ड किया जाता है पहले बत्तीस का एक बेटा पांच कर दो चार आठ सोलह बत्तीस ये कितना हुआ दो फिर दो का स्क्वायर कितना हुआ चार तो ये ऐसे सोल्ड करके चार आ गया तेरा तो टी वन बट्टी टी टू चार बट्टा एक हो गया बस आती है ठीक है दीव? अब चार बट्टा एक है तो इसको चार बट्टा एक नहीं कर सकते होगा ये कॉमन सेंस की बात है इसमें। है इसमें ठीक तो एक एक क्या, मतलब क्या हो गया चार बटा एक तो तो होती नहीं रही। टी वन टी टू कोई मीनिंग नहीं थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन थर्टी फाइव देखने बहुत बड़ा लग रहा है बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बहुत ईजी होते हैं देखो डियर एक कर्व दिया और कर्व से करो पूछा देखो सुनो आप ए से बी पर आओ ए से बी पर पी कॉन्स्टेंट है ऐसा करो देखो इसे में एक, एक ही तो वी का है, है।, है।, है तो इसलिए दोस्तों आंसर नंबर एक हो गया वैसे घूम के आता तो हम कोई बात नहीं चाड़ू निकाल लेते दिक्कत है लो आगे मैं आपको प्रूव कर कि सही है तो बी से सी सही है

वन माइनस गामा इक्वल टी खाली कर ले टी वन गामा गामा। क्या अगले ने तो खुद देख हीलियम कौन है, है। मोरट तो में गैस है तो मोनोट गामा क्या होता है पांच बटा तीन तो तेरे सामने सामने टी पी वन माइनस पांच बट्टा तीन पांच बटा टी पी। देख भाई ये ये तेरा क्या है माइनस दो बट्टा पांच और ये तेरे सामने आ गया देख तीन ना दो बट्टा दो दो तीन। तीन पांच ये टी पी माइनस दो बट्टा पांच।, पांच तो प्रूव हो गया कि आइडियाबेटिक प्रोसेस है और आइडियाबेटिक प्रोसेस में आप सब जानते हो टू क्या होती है जीरो थैंक यू बेस्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों दो बात याद रखो जो आपने पढ़ाया है टीचर ने पढ़ाया आपने पढ़ाया एक होता आइसोथर्मल प्रोसेस और एक होता आइडियाबेटिक प्रोसेस ये आपको याद रखना पड़े समतापी प्रक्रम और प्रक्रम समतापी प्रक्रम में जो पी के बराबर होती है इधर दोस्तों गामा गुना पी के बराबर होती है याद रख रखें ठीक से आइडियाबेटिक प्रोसेस की आयतनात्मक वोल्यूमेट्रिक जो आपकी मॉड्यूल होता है वो होता है पी और आई आई और आइसोथर्मल में में क्या होगी गामा मल्टीप्लाई पी अब यहां गामा क्या है तो तेरे को इक्वेशन होता है तो चेंज करे तो पी वी वन अपॉन एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट लड़के इसका मतलब गामा इक्वल टू वन बाई एक्स गामा इक्वल टू वन बाई एक्स पी ए तरीका नीट का तरीके से यह रहेगा कुछ लोग इसको बड़ा भी कर लेते हैं पर नहीं करेंगे उसको पढ़ पहले पढ़ रही है याद समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रक्रम की मोड्यूल कॉन्स्टेंट होता है पी आइडियाबेटिका होता है गामा मल्टीप्लाई पी और ये होता है पी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट रिश्ता ऐसा दे दिया रिश्ता चेंज कर दिया क्या फिर पढ़ता पढ़ने थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टी एट बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें एन बन रहा है

उसका एरिया निकाल लो तो एरिया ये दो है ये सो से दो सो है। सो, सो।, सो। मल्टीप्लाई टेन टू पावर थ्री ओ लड़के, एक किलो है मल्टीप्लाई सो से तीन बोले दो सो ये सीसी है भाई। सीसी तो दस की पावर माइनस दो, दो चार चार और तीन सात एक्स्ट्रा बच गया बीस आंसर आ गया तेरा ये लो। बीस जोड़ी में सीसी नहीं है

सभी स्थितियों में शून्य ये ले थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टी देखो इस क्वेश्चन का भाव समझो कि एम ग्राम गैस जिसका मोलिकुलर वेट एम है किसी एक नली में वो वी साल से जा रही है अचानक रोक दोगे तो आपकी जो हाफ एम यू स्क्वायर है जो एनर्जी ऑफ काइनेटिक है वो सारी चेंज किसमें हो जाएगी एनर्जी ऑफ इंटरनल सीधी सी बात गतिज ऊर्जा चेंज हो जाएगी आंतरिक ऊर्जा में बस ए

जैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सारा खेल किस में होता है अपना जूल में होता है अब देख ले दोस्तों तो डीटीसी है ना तो डीटी इक्वल टू क्या हो गया देख एम से में कैंसिल आउट कर कैपिटल एम ऊपर ला वी ऊपर सो ए ये आ गया आंसर दोस्तों सेकंड आंसर आ गया इसका तो ध्यान दे क्लास यहां मुद्दे की बात ये यह थी यहां स्मॉल एम आएगा पहले

इक्वेशन एक बना इक्वेशन दो बना एक दो का भाग दे ले, तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो तो उसको कर देंगे, तो एक, एक हजार दो फॉर्मुले इसके याद होने चाहिए सिंपल छठी क्लास की मैथ होगी उसके बाद कब है जब आपको फॉर्मुले याद ओके थैंक यू दोस्तों ये ठीक सी प्रॉब्लम है छोड़ा तो आए काटने के लिए अक्सर क्या लगता है आदमी को कि यार वी और टी के बीच है तो वी और टी के बीच करो तो सब जानते हैं है। है कांस्टेंट है। तो दो लेकिन दोस्तों वो तो तब होता है जो गुजरता ग्राफ मूल बिंदु से ये ग्राफिन पॉइंट से नहीं गुजर रहा है इस, इस ग्राफ को अपन ऐसा बनाना पड़ेगा एक लाइन यहां से एक लाइन यहां से ये आपका पी है यह आपका पी है

अब तू जानता स्लोप क्या होती है टेन थीटा वो क्या है वी बाई टी देख ले यार वी बाई टी तो तेरा वी बाई टी किसके बराबर है वी बाई टी एक बटा बर पी बराबर नहीं है क्या तो इनर स्लोप होगी ना स्लोप जितनी कम उतना प्रेशर ज्यादा होता है समझ गया ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टी -फोर। 44 में देखो ज्यादा दिमाग की जरूरत है दोस्तों सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर पढ़ते हैं ना वहां सब जगह क्या होता है पर मौल, पर मौल, पर मोल 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 होता है ये क्या कहता है CP -CV एक M की, की है। दोस्तों, कुछ नहीं करना इसमें का भाग देखे देखे देखे। वो तो थी मोलर ये है ग्राम मोल विशेषमा वो तो थी मोल विशेषमा है ग्राम मोल विशेषमा सीपी माइनस सीवी टू आर अपॉन केपिटलैम ओके थैंक यू

और गामा दोस्तों ज्यादा सर्वाधिक किसका होता है मोनोटोमिक का होता है तो दो नंबर तो मोनोटोमिक है दो नंबर तो मोनोटोमिक है और एक नंबर डायटोमिक है तो तो दो नंबर पहले बाद में आता है तो दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम इसका आंसर हो गया सेकेंड ओके थैंक यू हाँ तो बच्चो टोटल बीस पंच एक तो फिर बार बार कह रहा हूं नाम चेंज वापस पंच नाम कर रहे हैं दस पहले हो गए आज ग्यारहवा मैंने फिर शूट कर दिया आपके लिए बारवा हमारे साथी RDSR का शूट किया हुआ है तेरह के बाद फिर भी शूट करने हैं है और चार जून से शुरू होने वाली सीएलसी की डेली टेस्ट सीरीज जो हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए फ्री है इंडिया का कोई बच्चा दोस्त दे सकता है सीएलसी लाइव डॉट इन पे जाओ और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो इसके अलावा आपके लिए सीएलसी दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस चला रही है वो चाहे एट नाइन टेन फाउंडेशन हो 11 12 फाउंडेशन हो चाहे टारगेट हो हर थर्सडे को आप अपने संस्था एक नया बैच स्टार्ट करती है कहां सीएलसी लाइव डॉट इन पे जाएं जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा ये सारी ऑनलाइन क्लासेस कन्वर्ट हो जाएंगी ऑफलाइन में ओके इसके अलावा कोई दिक्कत हो आप मुझसे बात करें 992873 डबल 8 थैंक यू जय सीएलसी